चार पंक्तियां है शैलेश सर, मेकअपों की सजावटों को रूप कहते हैं। बादल, बिजली, बूंदे और बरसात सुनाने आई हूँ। माँ से बढ़कर कौन है, क्या पैसा क्या नाम, और चरण छुए और हो गए तीर्थ चारों धाम। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जिंदगी में खुशी तो सब कुछ है, वरना डर तो दस्तक दे रहा है, फिर से कोरोना आ जाएगा, फिर से लोग डरने लगे, पता नहीं क्या हो। एक ने कहा बड़ा खूबसूरत शेर, जी तो करता है, लड़का लड़का कह रहा, जी तो करता है उसके हाथों का रुमाल बन जाऊं, जी तो करता है उसके हाथों का रुमाल बन जाऊं, डर लगता कहीं नाक ना पहुंच ले। चाइना वालों को तो देखना कोई माफ नहीं करेगा, हाथ एक तो सब एक जैसी शक्ल के, ये भी पता नहीं चलता कि गलती किसने की है, सजा किसे दे मालूम नहीं चलता। जैसे एक साहब थे, उनका एक दोस्त था चाइनीज चैंग, तो बैठे हुए थे वो उसकी पत्नी के साथ खाना वाना खाने गए, तो फिर अचानक उसने कहा चैंग यार तुम सब एक जैसे दिखते हो, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती? ना चैंग बाथरूम गया, मैं उसकी वाइफ हूं। अच्छा, एक जैसी शक्लें जब हो तो कई लोगों को तकलीफ होती है और कई लोगों को बड़ा आनंद भी आता है। जैसे एक साहब की शादी एक लड़की से हुई तो उनकी साली और पत्नी दोनों एक जैसी नजर आती, बिल्कुल आइडेंटिकल। तो किसी ने पूछा तुम यार कैसे पहचान करते हो कि पत्नी कौन है और साली कौन है? बोले पहचानने की जरूरत ही क्या है। इतना शैतान था आप समझ लीजिए, उसके दिल में भाव वैसे ही थे जैसे इस वक्त इस लड़के के चेहरे पे, एकदम जवान लड़का है बैठा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज वाह भाई वाह के मंच पे ये तीन लोग उपस्थित हैं, और तीन में से ऐसे हैं एक जो हिंदी कवि के मंचों पे काफी समय से है लेकिन वाह भाई वाह के मंच पे पहली बार है, और दो ऐसे हैं जो टेलीविजन पे ही पहली बार आ रहे हैं, और जो पहली बार आए और सीधे कविता के सबसे बड़े शो में आ जाए तो क्या बात है भाई, वाह आप लोगों के लिए वाह भाई वाह। ये राहुल ठाकुर है जो मध्य प्रदेश में सीहोर में एक आष्टा नाम की तहसील है, उसमें क्या करमनखेड़ी, क्या नाम है, करमनखेड़ी, करमनखेड़ी नाम का एक छोटा सा गांव है, वहां से निकल के आते हैं लेकिन प्रतिभा के धनी है। कुल जमा क्या उम्र है तुम्हारी, 20-22-23 साल? 23 साल, 23 साल की उम्र है, और 23 साल की उम्र में इनके पास चॉइस है कि ये कविताएं लिखें, तो आपको अपनी कविताएं सुनाएंगे राहुल सिंह ठाकुर। पहली बार कोई लड़का आया और टेलीविजन पे आ जाए तो उसका स्वागत अतिरिक्त होना चाहिए। राहुल के पास जो बैठी है वो सुनीता सिंह है, और हरियाणा में बहादुरगढ़ नाम की एक जगह है जो दिल्ली के बेहद नजदीक है, करीब है, वहां से आती हैं और कई किस्म की कविताएं करती हैं, मोटिवेशनल कविताएं भी करती हैं, मोहब्बत की शायरी भी करती हैं और जिंदगी की बातें भी करती हैं, और वो भी आज वाह भाई वाह के मंच पे पहली बार। इनके पास हैं मेरे अनुज कैलाश मंडेला जो राजस्थान में शाहपुरा एक जगह है जो भीलवाड़ा के पास है, वहां रहते हैं, एक प्रिंसिपल है एक स्कूल में, डाइट में आप प्रिंसिपल हैं जैसे कहा जाता है, उसमें पढ़ाते हैं, ये प्रिंसिपल भी हैं और प्रशासनिक कार्य करते हैं और बहुत वर्षों से कविताएं कर रहे हैं। इनके पिता जो हैं वो भी बहुत बढ़िया कवि हुआ करते थे जिनकी स्मृति में ये अक्सर कार्यक्रम भी कराते रहते हैं। कैलाश मंडेला प्रति गीतों के लिए पूरे देश में मशहूर, हम स्वागत करते हैं कैलाश मंडेला का। तो आइए महफिल की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बुलाते हैं उस लड़के को जो अपने गांव का, अपनी तहसील का, अपने जिले का और अपने प्रदेश का नाम करने के लिए बेताब है। वैसे कमाल है, राजस्थान है, राजस्थान के पड़ोस में हरियाणा है और वो भी है, और राजस्थान के पड़ोस में मध्य प्रदेश है, तो आप
तीनों आसपास के प्रदेशों से हैं। आज हमारे पास पूरा भारत है, इधर राजस्थान, इधर हरियाणा, इधर मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ से हैं। संदेश जो है वो भी इंदौर मध्य प्रदेश से, और मैं राजस्थान से हूँ, और आप तमाम लोग सारी जगहों से, कुल मिला के सारा का सारा हिंदुस्तान यहाँ है। तो आइए सबसे पहले उसे बुलाते हैं जो सारे हिंदुस्तान में मशहूर होने के लिए तैयार है, राहुल सिंह ठाकुर। नमस्कार करता हूँ सभी को, राम राम करता हूँ, और गांव से आया हूँ तो गांव से ही शुरुआत करता हूँ। चार पंक्तियाँ है शैलेश सर के, मेकअपों की सजावटों को रूप कहते हैं। अच्छा, मेकअपों की सजावटों को रूप कहते हैं, और चार दिन के प्यार को महबूब कहते हैं। मेकअपों की सजावटों को रूप कहते हैं, और चार दिन के प्यार को महबूब कहते हैं, और हमारे गाँव में बनी सब्जी का जो पानी बचता है उसे ही इन बड़े बड़े शहरों में सूप कहते हैं। आए हाय, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। एक घायल प्रेमी के दिल के एहसास है, घायल प्रेमी के। अच्छा, के मेंढक मार मार कर तो सांप भी खाता था। अच्छा, मेंढक मार मार कर तो सांप भी खाता था, मुर्गे की बोटिया कसाब भी खाता था, और छोड़ना ही था तुझे तो ढंग से छोड़ती, अरे जर्दा सुपारी तो तेरा बाप भी खाता था। ये घायल है भैया, छोड़ना तो ढंग से छोड़ती, ये क्या बहाना हुआ, जर्दा सुपारी तो तेरा बाप भी खाता था। बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह राहुल। कुछ पत्नी पीड़ित यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्हें भी चार पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ। कि गोली को फुलझड़ी बताकर उसे दिखाने ले जाऊं, गोली को फुलझड़ी बताकर उसे दिखाने ले जाऊं, लंदन पेरिस स्विट्जरलैंड या किसी बहाने ले जाऊं, लंदन पेरिस स्विट्जरलैंड या किसी बहाने ले जाऊं, और सर पर उसके रहता अक्सर भूत घूमने फिरने का, अरे जी करता है बीवी को यूक्रेन घुमाने ले जी करता है बीवी को यूक्रेन घुमाने ले जाऊं, वाह ज़ेलेंस्की। अब राहुल क्या नाम है तुम्हारी पत्नी का? जी मेरी पत्नी का नाम पायल है। पायल जी, पायल सुन रही हो ना, पायल ठाकुर ये यूक्रेन घुमाने की बात कर रहा है, तो अब तुम जाओ घर बेटा। एक खास करके विशेष जो पंक्तियां है मैंने उधारी पर लिखी है जी, आपके बीच में समर्पित करना चाहता हूँ। कि उधार एक दवाई है रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, उधार एक दवाई है रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, पहले मुझे कोई याद तक नहीं करता था, मैंने उधार ले लिया मुझे हजारों फोन आने लगे, कुछ तो मुझे प्यार से गालियां सुनाने लगे, कुछ तो मुझे प्यार से गालियां सुनाने लगे, कुछ तो मेरे घर तक आने लगे, कुछ तो मेरे घर तक आने लगे। वास्तव में उधार मेरे लिए उपहार जैसा है, मेरा हर दिन त्योहार जैसा है, उधार से मैं सेलिब्रिटी बन गया हूँ, मुझे जनता से मुंह छुपाना पड़ता है और पब्लिक को मुझसे बढ़िया लाइन है यार, सेलिब्रिटी बन गया हूँ, मुझे जनता से मुंह छुपाना पड़ता है, मुझे जनता से मुंह छुपाना पड़ता है, और जनता को मुझसे मिलने के लिए पुलिस से शिकायत करना पड़ता है, और अंत में कहना चाहता हूँ कि कोई नगद वाले की कभी ना बात करते हैं, कोई नगद वाले की कभी ना बात करते हैं, मैंने उधार लिया मुझे सब याद करते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। शरद जोशी जो हमारे देश के बड़े बहुत बड़े व्यंगकार हुए, उन्होंने एक पंक्ति लिखी थी, बहुत बढ़िया बात कही थी उन्होंने, ये कहा था कि उधार मांगने वाला जो है वो एक बार मांगता है, और देने वाला बार बार मांगता है, देना यार अरे देना भाई, कब देगा, देना यार, समझा। गांव से आया हूं सर, तो गांव और शहर के जो बीच में संस्कारों का अंतर है वही मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। सुनाओ सुनाओ। कि तुम करते लंच डिनर टेबल पर हम अलती पलती मार करें, यहाँ बच्चा बाप को आंख दिखाए हम बिन गलती स्वीकार करें। वाह 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 बच्चा, वाह वाह, अरे बहुत बढ़िया। यहाँ बच्चा बाप को आंख दिखाए हम बिन गलती स्वीकार करें, यहाँ बच्चा बाप को आंख दिखाए हम बिन गलती स्वीकार करें, और यहाँ पिज्जा बर्गर इटली डोसा ना जाने क्या क्या रंग लगे, यहाँ पिज्जा बर्गर इटली डोसा ना जाने क्या क्या रंग लगे, हमें मिल जाए जो धान राबड़ी मुस्तंडे सांग लगे। हाय हाय, और तुम अपनों से मुंह मोड़ लियो हम चरणों में झुक जाते हैं, तुम अपनों से मुंह मोड़ लियो हम चरणों में झुक जाते हैं, और तुम करते पार्टी गानों पर हम सुंदरकांड में जाते हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, वाह बहुत अच्छा राहुल, बहुत अच्छा, शाबाश, क्या बात है।
क्या बात है, बिल्कुल सही कहा तुमने। एक बड़े प्रसिद्ध कवि, उनका एक दोहा मुझे याद आ गया, वो कहते हैं कि पढ़ लिख कर उसने सीखी यही तमीज, पढ़ लिख कर सीखी उसने यही तमीज, बूढ़ी मां लगने लगी उसे पुरानी चीज। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ने लगते हैं अपनी संस्कृति और संस्कारों को भूलते जाते हैं। लेकिन राहुल तुमने बहुत बढ़िया ढंग से अपनी कविता सुनाई, और एक करमनखेड़ी जो गांव है वो बहुत सारे लोग नहीं जानते क्योंकि छोटा सा गांव है। मैं भी जब तुम आए उसके पहले उस छोटे से गांव को नहीं जानता था, मैं आष्टा को जानता हूं, मैं सीहोर को जानता हूं, लेकिन करमनखेड़ी नहीं जानता था। लेकिन आज तुम्हारी वजह से करमनखेड़ी को सारा देश जान रहा है, मैं इसके लिए तुम्हें बधाई देना चाहता हूं। कैलाश मंडेला राहुल सिंह ठाकुर, एक बिल्कुल युवा लड़का जिसने आके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कैलाश प्रतिभाशाली है, उन्होंने फिर से बताया देश को, और अब आ रही है एक ऐसी नवयुवती जो टेलीविजन पर पहली बार आ रही है, और पहली बार देश के समक्ष उन्हें प्रस्तुत करते हुए मुझे हर्ष भी है और एक कर्तव्य बोध भी है और एक संतुष्टि भी है कि हम देश को नई प्रतिभाएं दे रहे हैं। उसी कड़ी में हरियाणा बहादुरगढ़ से आती हमारे बीच में सुनीता सिंह, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बादल बिजली बूंदें और बरसात सुनाने आई हूँ, बादल बिजली बूंदें और बरसात सुनाने आई हूँ, मैं सबको बचपन की प्यारी बात सुनाने आई हूँ। तो ले चलती हूँ आपको आपके बचपन में, जहाँ जुगनू और तितली की सैर कराऊंगी। तो मेरा गीत है मेरे प्यारे बचपन में, मेरे प्यारे बचपन में लम्हे अनमोल हजार मिले, मेरे प्यारे बचपन में लम्हे अनमोल हजार मिले, कुछ रूठे कुछ बिछड़ गए, कुछ रूठे कुछ बिछड़ गए, कुछ साथ समंदर पार मिले, कुछ रूठे कुछ बिछड़ गए, कुछ साथ समंदर पार मिले। रोज की बात न थी, हर रोज खुशी के मेले थे, वाह वाह। एक दो रोज की बात न थी, हर रोज खुशी के मेले थे, खुशी के मेले। गुड्डे गुड़िया की शादी थी, शादी में कई झमेले थे, फिर क्या हुआ सुनिएगा। गुड्डा शहजादी ले आया, गुड्डा शहजादी बिछड़ गए, कुछ साथ समंदर पार मिले, मेरे प्यारे बचपन में, मेरे प्यारे बचपन में लम्हे अनमोल हजार मिले, मेरे प्यारे बचपन में लम्हे अनमोल हजार मिले। कुछ रूठे कुछ बिछड़ गए, कुछ रूठे कुछ बिछड़ गए, कुछ साथ समंदर पार मिले, समंदर पार मिले। क्या बहुत अच्छा, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुनीता, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया, बेहद खूबसूरत गीत पढ़ा सुनीता आपने। और इस खास बात यह थी कि कैलाश जो अपने उम्र के पांचवें दशक के आसपास होंगे, वो खुद भी अपने बचपन को याद कर रहे थे, और जो बचपन में है वो भी बचपन को याद कर रहा था, वो भी आनंद ले रहा था। तो खुद भी बच्चा है लेकिन आनंद ले रहा था, वाह क्या बात है, सात समंदर पार। जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी है कि जो वर्तमान होता है ना, वो दुखद हो या सुखद, जब वो अतीत बन जाता है तो दुखद अतीत हो या सुखद अतीत, याद करने में हमेशा सुखी देता है। जब आप तकलीफ में भी होते हो और बीता हुआ वक्त तकलीफ का भी होता है, लेकिन जब उस वक्त को याद करते हैं तो वक्त सुख देता है। इसलिए जो ये वक्त है इसे मजे से बिता लीजिए, अच्छे से बिता लीजिए, और हर पल को भरपूर जिए, क्योंकि अगर आप इस पल को नहीं जिएंगे तो अगला पल हमारे पास होगा या नहीं होगा ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए जो भी पल सामने आए उसे भरपूर जिए और जीवन का आनंद उठाएं, और हमेशा ये सोचें कि हर पल में मुझे पूरा जीवन जीना है।
पल को जीवन बना दीजिए, जीवन पल यूं बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे, कहानी थोड़ी इल्मी है। अरे ये तो अत्याचार कर रहे हैं, शायद मां ही पर। ये कोई कलयुगी पुत्र है, किसी को याद आता है कुछ देख के? हाँ, करते हो भगवान का सजदा मंदिर और शिवालयों में। करते हो भगवान का सजदा मंदिर और शिवालयों में, बंद पड़ी माँ बाप की खुशियाँ अपने ही घर के तालों में। वाह 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 वाह। बंद पड़ी माँ बाप की खुशियाँ अपने ही घर के तालों में, चाह नहीं उनको दुनिया की दौलत हो कदमों में, चाह नहीं उनको दौलत हो दुनिया भर की कदमों में, वो संतान के प्यार के भूखे, वो संतान के प्यार के भूखे, खुश हैं दो ही निवालों में। हाय हाय, खुश हैं दो ही निवालों में। तुम्हें भी कुछ कहना कैलाश, कहो क्या कहना चाहते हो? दिल्ली के कवि हैं राजगोपाल सिंह जी, जी उनका एक दोहा मुझे याद आ गया शैलेश भाई। बड़े मशहूर तो मैं कहता हूँ गोपाल सिंह जी, हाँ, जी बड़ा मशहूर दोहा है जी, कि माँ से बढ़कर कौन है, क्या पैसा क्या नाम, माँ से बढ़कर कौन है, क्या पैसा क्या नाम, और चरण छुए और हो गए तीर्थ चारों धाम। क्या बात है, वाह। और एक दोहा उन्होंने और कहा था पिता के लिए, अगर पिता नहीं है तो माँ भी क्या चीज है, तो उन्होंने कहा पिता और माँ दोनों के लिए कि जिनकी बाहों में बसा, क्या होते हैं पिता, कि जिनकी बाहों में बसा स्वर्ग सरीखा गांव, बाबूजी एक पेड़ थे अम्मा उनकी छांव। वाह 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 वाह। और राजगोपाल सिंह जी के इसी दोहे से मुझे हमारे कवि मित्र उनका दोहा याद आ गया, वो उनकी दो पंक्तियां याद आ गई, वो कहते हैं क्या सूरत क्या सीरत थी, क्या सूरत क्या सीरत थी, सारे घर की जरूरत थी, क्या सूरत क्या सीरत थी, सारे घर की जरूरत थी, पांव छुए और काम हो गया, अम्मा एक मुहूर्त थी। वाह भाई वाह। आए